हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवाइस स्टडी। आज 21 जुलाई के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही है यहाँ पे, इसके विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 2019-20 में अलग हो गया था, जो अब फिर से 2022 में इस योजना से जुड़ गया है। तो इसलिए ये वाला करंट में है, और करंट में है तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये स्टेटमेंट देखने हैं। तो इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिए 2% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, इस योजना में चक्रवाती और मौसमी बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो है कि 2% का प्रीमियम भरना होगा साल के हर मौसम में, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, भरना होता है 5% का प्रीमियम भरना होता है किसान को, लेकिन वो होता है सिर्फ और सिर्फ जो बेची जाने वाली फसल है, यानी कि वाणिज्यिक फसलें जो हैं उस पर है। उसके अलावा किसी भी फसल पे ऐसी कोई योजना नहीं है कि उस पर किसी भी प्रकार का प्रीमियम सरकार को किसान देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या है, इस योजना में चक्रवाती और मौसमी बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया है, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला है गलत। तो हमें देखना था कि कौन सा सही है, तो ओनली वन टू इज सही, बाकी ये और ये गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है सेकंड वाला करेक्ट। इसमें और कुछ जान लेते हैं, ये प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना जो है, ये 2016 से स्टार्ट हुआ था, 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। इस ये योजना 2016 में स्टार्ट की गई, बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, बेमौसम बारिश, कीटों एवं बीमारियों से फसल कटाई के पूर्व तथा बाद में नुकसान को शामिल किया गया है। ऐसा कुछ होता है, इस चीज़ों को शामिल किया गया है। अच्छा, पहला वाला गलत क्यों था? पहला वाला गलत इसलिए था, देख लेते हैं। सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा केवल 2% तथा रबी फसल, ठीक है, रबी और खरीफ का अलग अलग है, उसमें लिखा हुआ था कि सभी फसलों के लिए 2% का देना है, वो बिल्कुल गलत था। केवल और केवल खरीफ फसलों के लिए 2% का प्रीमियम भरना है, और जो रबी की फसल है उसके लिए 1.5% का 1.5% का प्रीमियम किसानों को भरना होगा। ठीक है, इस वजह से वो वाला दूसरा वाला गलत हो जाता है। और जो वाणिज्यिक फसलें मतलब बेची जा रही हैं उसके लिए 5% का प्रीमियम किसान को भरना होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने मतलब फेसिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस से जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। तो ओजोन अवक्षय से कौन सा जुड़ा हुआ है ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो ये वाला तो नहीं है, इसके बारे में बताएंगे ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में और जान लेते हैं, पहला वाला था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें ये कब बना था, 1944 में बना था, और ये था किससे संबंधित, इसमें 44 देश थे, वर्ल्ड वार सेकेंड से संबंधित था, और वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से जो देश सफ़र कर रहे थे उन्हें कैसे फाइनेंशियली हेल्प किया जाए, इसके लिए ये वाली कॉन्फ्रेंस बनाई गई। दूसरा वाला हमारा ऑप्शन था जो कि बिल्कुल सही था, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा वाला बिल्कुल सही था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में देख लेते हैं, यह प्रोटोकॉल 15 दिसंबर 1987 को अपनाया गया सभी 197 देशों द्वारा, और ये वाला इसी वाले प्रोटोकॉल के तहत जो भी सब्सटेंस ओजोन का अवक्षय करते हैं उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाना है, इस चीज़ के लिए सारे के सारे 197 देश इस वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था क्यूटो प्रोटोकॉल था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसके अलावा ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस में कैसे कमी की जाएगी इस चीज़ को लेकर के ये वाला प्रोटोकॉल अपनाया गया था। और आया कब था? 11 दिसंबर 1997 को। 1997 याद आना होना चाहिए, क्यूटो प्रोटोकॉल की बात हुई हो तो। और ये क्यूटो कहाँ है? क्यूटो है ये जापान में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं लास्ट। नागोया प्रोटोकॉल जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जैसे समुद्र की ही बात कर लें तो मछलियों की कई प्रजातियां हैं जो नष्ट होने की, खत्म होने की कगार पे है, तो उन्हें किस प्रकार से बचाया जाए इस चीज से संबंधित है। और भारत जो है इसमें 2011 में इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करने वाला देश बना, ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये है हमारे पास प्रश्न। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में है, पता होना चाहिए। यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इनमें से किससे संबंधित है? तो यूनेस्को पहले ही आप कट कर सकते हैं, इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं तो इंडिया से ही रिलेटेड होगा। और ये कोई कल्चरल चीज़ें तो नहीं पूछी जा रही हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ रही हैं यहाँ से, ये वाला तो कट हो जाता है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आप 2 सेकंड देख लें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका सही आंसर होगा। और इसके अलावा यूनेस्को के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, बट पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर ये वाली योजना क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बारे में बताएं, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नई योजना BOT का उपयोग करके निजी साझेदारों को कम से कम 2 राजमार्गों के अपग्रेड प्रोजेक्ट की पेशकश करने की योजना बनाई है। NHAI द्वारा निजी साझेदारों को कम से कम 2 राजमार्गों को बिल्ड करना होगा। अगर कोई ऐसा निजी साझेदार है या प्राइवेट पार्टनर है, प्राइवेट कोई पार्टनर है जो कोई नेशनल हाईवे बनाना चाहता है, जो कम से कम 2 नेशनल हाईवे बनाना चाहता है, उससे कम के लिए नहीं, ये 2 नेशनल हाईवे के लिए ये वाली योजना है। तो अगर 2 नेशनल हाईवे बनाना चाहता है तो, और उसके पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं है, ठीक है, कि वो सरकार को पूरा पैसा चुका सके, जो भी जितने में भी वो अपना ठेका लेता है, जिस तरह से वो ठेका लेता है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको कुछ रियायत दी जाएगी और टैक्स कलेक्ट कर करके वो 20 से 30 साल में पूरे पैसे चुका सकता है। ये वाली योजना के तहत ये प्रावधान किए गए हैं, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कोई नया ठेकेदार है जिसे कुछ पैसे भरने होंगे, सरकार को कुछ पैसे भरने होते हैं ठेके के लिए, तो उसको ये वाली प्रॉब्लम ना आए, वो काम शुरू कर सके। जो बड़ा ठेकेदार होगा, कम से कम 2 नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट अगर वो लेगा तब, ठीक है, वो 20 से 30 साल तक आराम से टैक्स कलेक्ट कर करके उसे सरकार को वापस दे सकता है, उन्हें लोन दिया जाएगा इस वाली योजना के तहत, ठीक है। यूनेस्को है, इसके अलावा ये सब है, तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जरूरी है। यूनेस्को की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसके कार्य की बात करें तो शिक्षा, प्रकृति तथा संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है, ये है। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके बारे में या इसके बारे में बताऊं, इसके मिनिस्टर्स को तो जानना ही चाहिए, इनके मिनिस्टर के बारे में कई बार पूछा जा सकता है। तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं इसके, और इसके तो सभी को पता होंगे, पीयूष गोयल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये देखना है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र आर्कटांटिक से लगभग 7 गुना बड़ा है।
दूसरा है उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र सभी मौसम में दिखाई देता है, जबकि अटलांटिक पर्वना छिद्र केवल वसंत ऋतु में दिखाई देता है। ठीक है, ये स्प्रिंग में दिखाई देता है ये बोला जा रहा है, जो पहले पहले से बना है, और ये जो नया मिला है उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र, तो ये हमेशा दिखाई देता है और 7 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। एक नया मिला है जो जो अटलांटिक के ऊपर छिद्र था उससे 7 गुना बड़ा है, तो दोनों के दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ओजोन क्या है, O3 बोलते हैं इसे, इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, जबकि हम जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं श्वास के रूप में उसका O2 होता है, और ये परावैगनी किरणें जो होती हैं सूरज से आती हैं उनसे हमें बचाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छिद्र हो जाने से या ये क्रॉस करके आ जाएंगी। तो ये था, तो ये था आज का करंट अफेयर का सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको चाहिए, ये भी मुझे हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवी स्टडी।